आज मैं आपको डिलीट की क्वेरी बताऊंगा। अब डिलीट हम लोग डायनामिक करेंगे। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे एक डिलीट का बटन हो जिससे यूज़र अगर क्लिक करता है तो वो रिकॉर्ड हम लोग डिलीट कर सकें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको बटन बनाना पड़ेगा। इंडेक्स फाइल है, यहाँ पे एक बटन बना देते हैं, यहाँ पे एक्शन लिख देते हैं, एक्शन करेक्ट। और यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे क्या करेंगे डिलीट लिख देते हैं, डिलीट डिलीट करेक्ट। रिफ्रेश किया आ गया। अब यहाँ पे डिलीट को हम लोग हाइपर, थोड़ा स्पीड में मैं करूँगा, डिलीट को हम लोग हाइपरलिंक कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, डिलीट को हाइपरलिंक कर दिया, हाइपरलिंक हो गया। अब मैं एक नया पेज बनाऊंगा डिलीट नाम का, न्यू फाइल डिलीट डॉट यूएसबी, यूएसबी स्ट्रिंग, ये इसलिए बना रहा हूँ तो एटलीस्ट पता चले कि यहाँ तक कोड मेरा पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। अरे तो अभी स्कूल मैनेजमेंट यूआरएल ने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, डिलीट डॉट पीएचपी। अब फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, पहले देखना है कि इस पेज तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। डिलीट पहुंच रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या डिलीट करना है, मुझे आईडी तो होनी चाहिए, तो मैं इसको वेरिएबल पास करूंगा यूआरएल में। सो अगेन गेट मेथड बोलेंगे, ये कैसे मैं ये वेरिएबल पास करना हो यूआरएल में। गेट मेथड नहीं, गेट मेथड नेक्स्ट पेज में यूज़ होगा जहाँ पर आप वेरिएबल गेट कर रहे हैं। ठीक है, आई डी इक्वल टू 3। अगेन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो और सब चीज़ें समझने में ईजी लगे। अरे रिफ्रेश किया, अब आप देखोगे डिलीट किया, यू आर एल देखो डिलीट आई डी इक्वल टू 3। अब आपको ऑलरेडी पता है कि यू आर एल से आई डी कैसे लेते हैं, डॉलर आई डी याद ही होगा आपको, डॉलर गेट मेथड से गेट आई डी। एक बार आप इसको प्रिंट इको डॉलर आई डी, करेक्ट। यहाँ पे यूआरएल दोबारा क्लिक करने की जरूरत नहीं, पेज रिफ्रेश करने 3 मिल जाए, करेक्ट। अब डिलीट की क्वेरी, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस कनेक्शन करना पड़ेगा। तो हमने फाइल इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड सी एन डी आई एन सी एन डी इंक्लूड फाइल, फाइल में क्या है डी डॉट पी एच पी। अब फाइल इंक्लूड रिफ्रेश करेंगे, कुछ एरर है तो बता दें, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर डब्ल्यू थ्री स्कूल में जाएंगे, डब्ल्यू थ्री सी स्कूल यहाँ पे गए और यहाँ पर डिलीट लिखा होगा, डिलीट डेटा, करेक्ट। सिंपल है बहुत। क्या क्वेरी है, आपको क्वेरी बनानी है, ये रही क्वेरी, कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट डिलीट फॉर्म कहाँ से करना है, स्टूडेंट्स टेबल में से, स्टूडेंट्स एस टी यू डी एन टी एस। अभी तक आप एक्सपर्ट हो गए होंगे डायनामिक करना, तो अब हम लोग डायरेक्टली डायनामिक करते हैं विदाउट चेक। ये क्या था, डॉलर कनेक्शन और क्वेरी, यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी पास कर, करेक्ट। यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब हमको पिछले वीडियो में हमने रीडायरेक्ट भी किया था, तो रिडायरेक्ट का कोड हम लोग कॉपी कर देते हैं। किसमें था, फॉर्म सबमिट, करेक्ट। मेरा फॉर्म सबमिट और एग्जिट, करेक्ट। यहाँ पे गए, फॉर्म सबमिट किया, एग्जिट, रिडायरेक्ट सेम जगह करना है। चलो चेक कर लेते हैं फटाफट, रिफ्रेश किया, फर्स्ट रिकॉर्ड ब्रिजेश मिश्रा है, डिलीट किया, हो गया डिलीट। सेकंड रिकॉर्ड ब्रिजेश मिश्रा, डिलीट किया, हो गया डिलीट। और डिलीट किया, क्या प्रॉब्लम, अब यहाँ पर पता नहीं चला क्या प्रॉब्लम है क्योंकि पेज रीडायरेक्ट हो रहा है, करेक्ट। तो कैसे ढूंढेंगे क्या प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग डीबग करना पड़ेगा। अब डीबग कैसे करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा, वो कमेंट कर दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, अब फर्स्ट है डिलीट, यहाँ पे 3 आया और ये क्वेरी मेरी रन हुई या नहीं, सबसे पहले ये चेक करना है। तो डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा,
वन आईडी डिलीट होना चाहिए, नहीं हो रहा तो अब हमको देखना पड़ेगा ट्रबल शूट कैसे करेंगे, डीबग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रिंट कराएंगे, डॉलर इको डॉलर एसक्यूएल, करेक्ट, इको आईडी तो मिल रहा है हमको, तो इसको कमेंट कर देंगे, इससे कॉन्फिडेंस आ गया कि एटलीस्ट आईडी मिल गया। अब देखते हैं एसक्यूएल में क्या मिल गया, रिफ्रेश किया, डिलीट वेर आई डी इक्वल टू 3, करेक्ट। यहाँ डिलीट देखो टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेर आई डी इक्वल टू 3, इसको हम सीधा क्वेरी को रन करके चेक करेंगे। एसक्यूएल में गए, गो, यस, यहाँ हो रहा है डिलीट स्टार डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेर आई डी इक्वल टू 3, देख लेते हैं ब्राउजर में, देख लेते हैं 3 नाम की डिलीट हो गई, करेक्ट, यहाँ पर 3 पास हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेरी चलनी चाहिए, हो सकता है, चलो इसे कमेंट कर लेते हैं, देखते हैं डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले आईडी कौन सी, इसकी आईडी कौन सी है, 1, करेक्ट, यहाँ पे डिलीट पे जा रहा है, आप यूआरएल पे देखेंगे नीचे तो डिलीट डिलीट हो गया। अब रिफ्रेश कर लेते हैं, 1 रिकॉर्ड जाना चाहिए, नंबर 1 आईडी का रिकॉर्ड जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा, तो हम लोग क्या करते हैं कोड देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, की कनेक्शन ले लो ट्रू या फॉल्स, ठीक है, तो एरर बता देगा ये कि क्या एरर है, हमने क्या एरर किया, करेक्ट। इफ कंडीशन तो आपको पता ही नहीं, एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर रन हो रही है, रिकॉर्ड डिलीटेड या एरर बता, कुछ भी एरर है तो एरर शो कर देगा, क्यों ऐसा नहीं है, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, डिलीट किया, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल, आईडी सक्सेसफुल डिलीट हो गया, कौन सा आईडी डिलीट हुआ, आईडी 3 ही ले रहा है बार बार, देखो देखा क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया कुछ नहीं, समझ में आया, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब आपको डीबग कैसे करना है, ये टेक्निकल, ये फंक्शनल बग बोल सकते हैं इसको, ये आपको एरर शो नहीं करेगा, एरर नहीं है, ये है प्रोग्रामिंग लॉजिकल इशू बोल सकते हैं, इसमें एरर नहीं आती है। फॉर एग्जांपल अब आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, राज वन है पाठक, इसको डिलीट करना है, अब देखो यू आर एल में क्या लेके जा रहा है, सब में 3 लेके जा रहा है, समझ गए, तो हमने क्या किया है यहाँ पर, इसको अभी डायनामिक नहीं किया है, करेक्ट, अभी डायनामिक कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको इको करना पड़ेगा PHP इको, ये तो ये लाइन कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कोड है वो हमारा डायनामिक हो गया, देखो 3 1 2, अब डिलीट होगा, जो हमारा पहले का कोड था वो भी सही था, करेक्ट। तो इस तरीके से इफ एल्स कंडीशन लिखोगे तो आपको क्या एरर्स है वो भी मिल जाएगी, जो हमने पहले जो क्वेरी लिखी थी वो भी सही थी, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ये लगा सकते हैं, इससे भी डिलीट होने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाए, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब देखो मैं बिजनेस डिलीट करता हूँ, डिलीट डिलीट, यहाँ पे सब रिकॉर्ड्स हमने डिलीट कर दिए और यहाँ पे हमारा डिलीट का फंक्शन भी कम्प्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।